यस सर, मेरी एग्जाम नहीं है, पर सर मेरे 5 क्वेश्चंस बाकी थे, इसके लिए मैं आज रात को भेज दूंगी सर आपको। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्कशीट 2 में हमने कहाँ तक लिया डिस्कशन बेटा? कल पहले 15 क्वेश्चन के डाउट्स लिए ना? यस हाँ सर। सर, ओके। रिमेनिंग 16 to 30 में डाउट्स लिए क्या हमने कल? नो सर। नो सर। नो। नो ओके, दोज हु हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। सो टुडे वी विल डिस्कस। सर वर्क टुडे वी डिस्कस डाउट्स फ्रॉम 1 to 15। करेक्ट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस डाउट्स फ्रॉम 16 to 30। यस सर। सर देयर कम सर मुझे 19, 20 और उसके बाद 25 सर सारे बता दो। यस बोलो, अभी डाउट का क्वेश्चन नंबर क्या क्या है? वंस अगेन सर 18 नो सर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सर फिर उससे अच्छा उसने ऐसा ही बोलना चाहिए था 19 to 25। तो मुझे ऐसा बोलो ना कि सर कुछ भी नहीं समझ में आया सच में। हाँ सर। रियली? यस सर। ओके, 15 में से 7 क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। ओके ऑल राइट, वी कैन डिस्कस दिस डाउट्स। अभी अगले टाइम से मैं क्या करूंगा, जो रियली टफ क्वेश्चन है वही क्लास में डाउट्स लेंगे, और जो थोड़े इजी वाले क्वेश्चन है उसका मैं आपको सेपरेट एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? सर हाँ सर 20th क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग? हाँ बताता हूँ बताता हूँ, लेट अस गो वन बाय वन। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट है क्या? सर वो 17th क्वेश्चन है ना, उसका मुझे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो समझ में नहीं आया। सेकंड ऑप्शन दीदी बोली थी कि 20th क्वेश्चन रॉन्ग है। यस यस आई विल टेल यू। आप दीदी को पूछ लीजिए, एक्चुअली सेम वर्कशीट है उनको, 9th स्टैंडर्ड को भी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ। 17th क्वेश्चन ओके सर। हाँ हाँ सर उसका सेकंड ऑप्शन समझ में नहीं आया। वेरी गुड, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें 2 वर्ड यूज किए हैं, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। तो नॉन, देखो सबसेट जो है, सबसेट्स जब हम सबसेट का लिस्ट बनाते हैं, वंस अगेन सिंपल एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2, तो सबसेट का लिस्ट बनाते हैं तो हम एम्प्टी सेट लेते हैं 5, और उसके बाद बाकी के जो सेट है उसमें एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, तीन तीन एलिमेंट लेते हैं। अभी यहाँ इतने आएंगे सबसेट। नाउ व्हेनेवर वी से नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें 5 काउंट नहीं करना है, एम्प्टी सेट नहीं लेना है। और व्हेनेवर वी से प्रॉपर सबसेट, ये कल ही हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर सबसेट में सेट इटसेल्फ भी नहीं आता। ओके, तो इस सेट में अभी टोटल 6 एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आएंगे? हमने कल फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 raised to 6, दैट इज हाउ मच, 64। ओके, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? 2 raised to 6 minus 1। वेरी गुड, 63 आएंगे। 63 आएंगे। और अभी बोला गया कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो क्या होगा अभी? तो प्रॉपर सबसेट है इसलिए सेट इटसेल्फ भी हमें रिमूव करना है और एम्प्टी सेट भी रिमूव करना है, उसको काउंट नहीं करना है, बाकी के सबसेट ही काउंट करने हैं।
So therefore, this 2 raised to 6 minus 2. 2 raised to 6 minus 2, that is 62. Okay. चाहे तो आप ऐसे तीनों फॉर्मूले लिख के रखो, इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 raised to n minus 1, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट 2 raised to n minus 2, ये तीनों फॉर्मूले लिख के रखो. सर वेट सर 2 मिनट. ओके ओके. मुझे खाली अर्नव का मैसेज आया कि मेरा एग्जाम है, बाकी जिनका एग्जाम है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना कंपलसरी है, तभी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि क्लास में जब आप बोलते हो ना तो हर एक का नाम सर, मेरे सर, सामने नहीं रहता. यस yes. सर आंसर विल बी मैं आज दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ सर, इसलिए मेरे मम्मी पापा का फोन घर पे नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं सेंड किया, क्योंकि इसमें आपका नंबर ही सेव नहीं है. ओके ओके. सर मेरे पापा के मोबाइल में आपका नंबर है, लेकिन मेरे पापा का मोबाइल घर पे नहीं है. बाय टू सर, आपका नंबर बुक पे दिया हुआ है गए सर. Okay, इसलिए मैंने आपको शेयर नहीं किया. करेक्ट ऑप्शन सर, मैं आपको वो आने के बाद सेंड कर दूंगा सर. ओके ओके. सर सर आपका नंबर बुक पे दिया है. यस, बुक वाले कौन है सर आप? ओके ऑल राइट. सानिका इज आस्किंग मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. 17 का करेक्ट आंसर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, चारों के चारों करेक्ट है. ओके, एन ऑफ पी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स. वेट सर. ओके सर, वेट सर. और याद रखो क्वेश्चन 16 के आगे मल्टी आंसर करेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ एक से ज्यादा भी करेक्ट आ सकते हैं. हाँ, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस एन ऑफ पी ऑफ ए? सर नंबर ऑफ सबसेट्स. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. नो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट. पी ऑफ ए इज अ नोटेशन ऑफ पावर सेट. सो एन मतलब बाहर जब हम एन लिखते हैं, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ऐसे. So now here we can say number of elements in power set of A. Power set, not proper set. This P means power set. Okay. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Today we yes. will discuss doubts up to 30th question, and then tomorrow we are going to start with the second chapter. अपने 7th standard के मैथ्स second sir. chapter second sir, chapter wo. numbers है, तो उसमें जो जो आसान वाला part है sir, वो sir. आप खुद कर सकते हैं, और जो difficult वाले part है वो मैं ले लूँगा. बोलो sir, वो 30 question के बाद वो variable reserve रीजनिंग है ना वर्बल रीजनिंग. हाँ यस सर, दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक. दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक. इफ यू हैव डिजायर यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड चेक द आंसर्स बिहाइंड. दैट इज एक्चुअली अनदर 5th सब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज, क्या नाम है इस सब्जेक्ट का? आईटी. No, no.
आईटी सर, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता सर। हाँ हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी, आईक्यू। तो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है वो बेटा, तो वो मैं नहीं लेने वाला। एंड सेपरेटली इफ यू वांट दैट यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, एंड सेपरेटली आई कैन टेक सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऑन संडेज टू सॉल्व द डाउट्स फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन। ओके, तो एप्टीट्यूड वाला पार्ट हम नहीं लेने वाले, लेकिन नोट्स में इसीलिए डाल दिया। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आया, लेकिन आगे के मैंने नहीं। अभी वो क्लास में कभी भी मत पूछना, हेंसफोर्थ डोंट आस्क दोस डाउट्स फ्रॉम द इन द क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अदर देन दिस टाइम, एंड इफ यू सो डिजायर वी कैन ब्रिंग यू वन मोर टीचर फॉर टीचिंग ऑल ऑफ यू एप्टीट्यूड ऑल्सो, mental ability also if you desire but not I cannot teach it, mera mujhe mathematics ke upar focus karne do. Of course doubt hai to pucho, koi problem nahi, you can trouble me. Okay, next question number 19 ke aage abhi sare doubt hi hai, theek hai, one by one let us go fast. Now please pay proper attention, I will go a little faster. Question number 19, set A is equal to 1, 2, do element hai, then which of the following is true? Set A is a subset of power set A. To aapko pata hai, A mein agar 1, 2 element hai, to uske power set mein elements kon kon se aayenge? Pehla aayega 5, dusra aayega 1 element 2, एंड द सेट इटसेल्फ 1, 2, ये सारे पावर सेट में आ जाएंगे, सारे सबसेट। तो पावर सेट में ए एक सेट तो आया है, एंड इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पावर सेट ए, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? सो सी, दिस इज ऑल्सो अ सेट, दिस इज ऑल्सो अ सेट, यस सर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिवीजन के लिए मार्क करके रखो। ओके, जितना दिखता है उतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट सो इजी क्वेश्चन। अभी आप ही बताओ मुझे, ये जो सेट वन है, सेट वन है, इज इट अ सेट और इज इट एन एलिमेंट? एलिमेंट सर, इट इज एलिमेंट, इट इज एलिमेंट सर, एलिमेंट। इज इट अ सेट और इज इट एलिमेंट? एलिमेंट सर, इन सेट, सर इन सेट ए इट इज एलिमेंट एंड इन पावर सेट इट इज अ सेट। हां, दिस इज करेक्ट आंसर, जो अर्णव ने बताया, इन सेट ए इट इज एन एलिमेंट वन, बट राइट नाउ इट इज इन कर्ली ब्रैकेट, सो इट इज अ सेट कंसीडरिंग सेट ए, considering set A, it is a set. But when you say power set, so in the power set, it is an element. Set 1 is an element, one of the element of power set. Of course, we say set of all subsets is a power set. So, इसलिए उसको हम element कभी नहीं बोलते, उसको हम set ही बोलते हैं। तो अभी आप ही बोलो, 1 और 3 option में से कौन सा correct आएगा? क्योंकि आपको सर वन करेक्ट आएगा, वन इज करेक्ट, वन आएगा, थर्ड इज रॉन्ग। क्लियरली बोला था कि बिलोंग्स टू के सिंबल के लेफ्ट में एलिमेंट आता है, राइट में सेट आता है, और प्रॉपर सेट के दोनों साइड सेट सेट आता है। सर उसका फर्स्ट आता है, लेकिन ये मल्टी आंसर टाइप है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन आप बोलो ना कौन सा करेक्ट आएगा। सर फर्स्ट इज करेक्ट। व्हाई? व्हाई व्हाई क्यू? ये याद रखो रूल, सर आप रूल और एक बार बता सकते हैं?
रूल क्या है, जब बिलोंग्स टू वाला सिंबल आता है तो उसके लेफ्ट में हमेशा एलिमेंट रहना चाहिए और उसके राइट में सेट रहता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ऐसा लिखते हैं। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल आता है तो यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड सेट सेट ही रहते हैं। ओके, सो आई एम आस्किंग, कैन यू टेल मी वेदर ऑप्शन वन इज राइट और ऑप्शन थ्री इज राइट? अच्छा ठीक है, पीछे देख के बोलो तो और क्लियर हो जाएगा। सर ऑप्शन वन ओनली, नको सर पीछे नको, पीछे मतलब सर, लेकिन वहां पे बिलोंग्स टू का साइन नहीं आता है ना? हाँ यस, बोलो सर। पीछे दिए 19 के आंसर 2 3 और 4 है। हाँ वही पूछ रहा हूँ, दैट इज द ट्रिक हियर, इसीलिए तो इस क्वेश्चन को रिवीजन के लिए मार्क करना है। सी ये क्या है, पावर सेट, पावर सेट में 2 4 3 का है। पावर सेट में ए एलिमेंट है सेट वन, ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ सेट बट इट इज एन एलिमेंट इन दिस पावर सेट, सो देयरफॉर थ्री इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पावर सेट में एलिमेंट है, फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ। नेक्स्ट, रुको रुको, पहले पहला और तीसरा चल रहा है अभी, फर्स्ट क्यू इनकरेक्ट नहीं है, व्हाई इट इज रॉन्ग? देखो हम जब प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट वन है, इस एलिमेंट वन के अलावा और कुछ एलिमेंट उस सेट में रहने चाहिए पी ऑफ ए में, लेकिन पी ऑफ ए में वन एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट वन नहीं है इसमें, सारे जो एलिमेंट है वो सारे कर्ली ब्रैकेट में है, सारे सबसेट है, एलिमेंट वन नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। ओके, ये हुआ फर्स्ट और थर्ड का, तो थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड और फोर्थ देखो, अभी सेकंड में देख सकते हैं सेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, तो सेट ए मतलब है 1 2 पूरा का पूरा पावर सेट में है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट, सो देयरफॉर वी कैन से इट इज आल्सो करेक्ट। ओके, एकदम सिंपल है, एंड फोर्थ इज आल्सो करेक्ट बिकॉज़ 5 इज ऑलवेज देयर इन पावर सेट, एनी पावर सेट। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट, इट इज आल्सो, एक्चुअली वी कैन ऑलवेज से दैट 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, चाहे वो पावर सेट हो या कोई भी सेट हो। ऑल राइट, ओके सो मुझे एक डाउट था सर, हमें जब अगर मतलब किसी सेट का एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है तो उस एलिमेंट को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है कि विदाउट ब्रैकेट? एलिमेंट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड विदाउट ब्रैकेट। ओके, दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड, व्हेन वी हैव पावर सेट, पावर सेट के सारे एलिमेंट बेटा सबसेट रहते हैं, तो वो तो कर्ली ब्रैकेट के बिना हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो खुद में सेट रहते हैं, सो देयरफॉर ओनली इन केस ऑफ, वी कैन से दिस इज एन एक्सेप्शन, वी कैन से दिस इज एन एक्सेप्शन, ओनली इन केस ऑफ पावर सेट ऑल द एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन साइड कर्ली ब्रैकेट। इज इट क्लियर? सर फिर हमने फर्स्ट ऑप्शन क्यों रॉन्ग किया, वो भी तो पावर सेट का ही है ना वन? हाँ, इट इज एन एलिमेंट, लेकिन वो कर्ली ब्रैकेट में दिया है इसीलिए। नो नो, बट वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, सर आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, वी आर डिस्कसिंग द आंसर विद रिस्पेक्ट टू, सर आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन, जो पावर सेट है ना उसके करस्पोंडिंग हमें डिस्कस करना है। ओके, तो पावर सेट के करस्पोंडिंग हमें डिस्कस करना है क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में सारे ऑप्शन में पावर सेट ही दिया है, सो करस्पोंडिंग टू पावर सेट मतलब ऐसा बोल सकते हैं, देखो मैं ये यहाँ पे बताता हूँ। सी सेट ए इज हैविंग एलिमेंट्स 1 2
and its power set will have elements 5, set 1, set 2 and the set itself. ये सारे पावर सेट के एलिमेंट्स हैं. बिकॉज ऑल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट वी कैन ऑलवेज से फाइव बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, दिस सेट वन बिलोंग्स टू पी ऑफ ए. ऑल दीज आर एलिमेंट्स इन साइड दिस सेट सेपरेटेड बाय कॉमा. सो वी कैन ऑलवेज से ऑल दीज आर राइट, बिलोंग्स टू लिख सकते हैं. ओके, इस वन टू के जगह आप चाहे तो कैपिटल ए भी लिखो. सो ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए. All right, since these are all elements, we can always say this. This is correct. All these are elements of the power set. Although they are inside... First option ko matlab kya hai? Although they are inside the curly bracket. Okay. Abhi, jab hum first option ka dekhte hai, curly bracket 1 is a proper subset of P of A. Dekho, iske liye main thoda alag ek example dikhata hu pehle. समझो सेट ए में एलिमेंट्स है 2, 3, 4 फॉर एग्जांपल, एंड सेट बी हैज एलिमेंट्स 2, 3, 4, 6. ओके, नाउ वी कैन ऑलवेज से हियर दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है. अभी ये सेट वन जो है, ये अगर प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट हमें बनाना है तो इसके सारे एलिमेंट्स, सेट वन के सारे एलिमेंट्स पी ऑफ ए में पहले तो प्रेजेंट रहने चाहिए. ओके, प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है? इसमें दो चीजें मैंने बताई थी कि ए छोटा वाला सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट रहता है और दोनों सेट अनइक्वल आते हैं. मतलब छोटे वाले सारे सेट के एलिमेंट बड़े वाले सेट में प्रेजेंट रहने चाहिए. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट शुड बी प्रेजेंट ऑन द सुपर सेट, इन द सुपर सेट, एंड सुपर सेट शुड हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा. राइट नाउ यू लुक एट दिस सेट, इसका एलिमेंट है 1 और ये 1 पावर सेट में प्रेजेंट है क्या? देखो एलिमेंट 1, एलिमेंट 1 प्रेजेंट है क्या? हां सर. No. Yes, sir. Element 1 is not present. This is set 1. It is not element. This is a set. It is not element. No, one. Set bhi curly bracket mein aur element bhi to curly bracket mein hai na. So, isliye isko revision karne ke liye bola. Corresponding to power set, we will say that all of these are elements of power set. Okay, but when I define the proper subset का definition बोलता है कि ये जो छोटा वाला set है उसका जो element 1 है, element 1 हम set में कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे लिखेंगे ना, element 1 comma करके set के अंदर 1, 2, 3. element 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको power set में? वो तो set में है. element 1 separate ऐसा आना चाहिए. ऐसा इज देयर एलिमेंट 1 प्रेजेंट इन द सेट पावर? नो सर. नो सर. क्लियर? तो ये ऐसा याद रखना है. अभी देखो सिंपल बताता हूँ. पावर सेट में जो भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो दिखने में सारे सेट ही दिखते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू पावर सेट वी से दैट दे आर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट. तो इसीलिए बिलोंग्स टू का सिंबल हम ले सकते हैं, लेकिन राइट में पी ऑफ ए रहना चाहिए. ये कंपलसरी है, बिलोंग्स टू के राइट में पी ऑफ ए रहना चाहिए, तभी फिर बिलोंग्स टू के लेफ्ट में हम ये सारे जो सारे सबसेट आते हैं वो ले सकते हैं. ओके, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन फॉर द बिलोंग्स टू रूल. बिलोंग्स टू का रूल क्या है? अफकोर्स एक्सेप्शन भी नहीं है एक्चुअली. एलिमेंट उसके लेफ्ट में रहता है और राइट में सेट रहता है. तो सेट, इस सेट के सारे एलिमेंट्स, P of A के सारे एलिमेंट्स इसके लेफ्ट में आएंगे. तो P of A बेचारा खुद बोल रहा है कि मैं सेट अप ऑल सबसेट हूँ, तो इसीलिए बिलोंग्स टू के लेफ्ट में सारे सबसेट ही आएंगे ना. ठीक है सर, मुझे फोर्थ ऑप्शन नहीं समझा. 19 तो बोलो
सर मुझे और एक डाउट था, अगर हमें मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमने ब्रैकेट में वन लिखा है और फिर बिलोंग्स टू मतलब वो प्रॉपर सेट दिया है, अगर वहाँ प्रॉपर सेट नहीं रहता और दूसरा सेट रहता तो वो एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में आता कि नॉन कर्ली मतलब विदाउट कर्ली ब्रैकेट में आता? ओके ओके, वेरी गुड डाउट। तो देखो यहाँ पे, देखो एक सिंपल ऐसा याद रखना है कि पावर सेट अगर बिलोंग्स टू के राइट में है, पावर सेट अगर बिलोंग्स टू के राइट में है तो यहाँ उसके लेफ्ट में, यहाँ उसके लेफ्ट में उसके अंदर जो जो सारे आते हैं, फाइव आ रहा है, सेट वन आ रहा है, सेट टू आ रहा है, सेट वन टू आ रहा है, वो सारे हम लिख सकते हैं, ठीक है, बस पावर सेट के केस में। बाकी किसी भी केस में पावर सेट के अलावा कोई भी दूसरा सेट यहाँ पे हो, समझो एक सेट बी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ बी में प्रेजेंट वाला एलिमेंट ही लिखना है और वो विदाउट कर्ली ब्रैकेट आएगा। से वी हैव सेट बी, इट हैज एलिमेंट्स 1 2 3, देन वी कैन राइट लाइक दिस, 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी, यहाँ कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल नहीं आएगा, खाली पावर सेट के केस में ही ऐसा हम देख सकते हैं कि उसके लेफ्ट में बिलोंग्स टू के लेफ्ट में, क्योंकि पावर सेट में एलिमेंट जो रहते हैं वो सारे सबसेट रहते हैं और सबसेट को लिखने का दूसरा तरीका नहीं हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट में लिखना ही रहता है। सो हेंस वी कैन राइट हियर दिस एलिमेंट मीन्स ये सारे सबसेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट में आने ही चाहिए। तो ये एक्सेप्शन बोल रहा हूँ मैं कि बिलोंग्स टू के लेफ्ट में कर्ली ब्रैकेट में तभी लिखना है जब राइट हैंड साइड में बिलोंग्स टू के पावर सेट हो, ओके, अदरवाइज एलिमेंट्स विल कम ऑलवेज विदाउट कर्ली ब्रैकेट। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर, ओके। और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन में किसी को डाउट था, फाइ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। देखो बेटा फाइ का, फाइ जो है ये नल सेट है, एम्प्टी सेट, तो इट इज एक्चुअली नल सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। हर एक पी ऑफ ए के इसमें फाइ आएगा ही ना, इसीलिए वहां पे दिया है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो एक एलिमेंट भी है, फाइ इज एन एलिमेंट आल्सो, मतलब हमने यहाँ पे ऐसा भी लिखा तो भी करेक्ट आएगा और ये कंसेप्चुअली करेक्ट है, ये कंसेप्ट ही है हमारा कि फाइ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। सर फिर फिफ्थ ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन में फिर वन के वन में अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया होता, सिर्फ वन ही दिया होता तो फिर वो भी करेक्ट आता था? अगर ऐसा दिया रहता ऐसा तो फिर ऐसा करेक्ट आता था ना सर? नो नो सर, सबवंस माइक इज ऑन। पूजा अपना माइक, कोई तो बजाना बंद है, पूजा माइक ऑफ करो। सॉरी, वन इज अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इज रॉन्ग। Sir, I want to ask one thing, can I ask? Yes, please, quickly. Sir, but why? Well, while writing the power sets, we write, sir, if suppose in 19 question, A is equals to 1 and 2, so while writing the power set, we will write that A is equals to, first we will write 5, then we will write 1, then 2, then we will combine 1 and 2. So, sir, why we don't take 5 when we combine them? अच्छा, while taking like this, here why don't we take 5? Yes sir. अच्छा, actually 5 is already taken here as an element, separate element. It is defined like that 5 is a subset of any set. So separately it is counted. So we don't have to take it inside set A. वो separately लिया गया. Or but then one. But yes. 1 and 2, they are also separately taken, but we combine them. So why we don't combine the 5 also? 5 also, na? See,
वी आर राइटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स, सबसेट का लिस्ट लिख रहे, ये याद रखो पहले. एंड आवर डेफिनेशन इज फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, करेक्ट? पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. सो फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, देयरफॉर वी राइट फाई फर्स्ट. And then, yes, as per sir. the definition of subset, we find out which all subsets we can get. तो उसमें फाइव लेने का क्या जरूरत है, आप ही बोलो. Is there any need to take five? This is set of all subsets. तो subset ही लेने हैं ना यहाँ पे. Five क्यों extra ला रहे हैं आप? And since it is subset of any set, therefore we have already taken it. So no need to take it again. All yes, right. Sir. I hope this was clear to everyone. Or any doubt? Sir. Yes, sir. Subset or superset. Sir, 20 questions. में subset से ज़्यादा elements होने चाहिए तभी वो superset होगा. तो sir proper set में भी मतलब दोनों set में से एक set में ज़्यादा element होना चाहिए तो हम बोल सकते कि वो भी superset ही है. हाँ, वो दोनों केस में सुपर सेट ही कहलाया जाएगा. ओनली थिंग इज जब आप प्रॉपर सबसेट लेते हो तो यहाँ पे एन ऑफ बी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सुपर सेट दे विल बी लार्जर देन एन ऑफ ए. बट इन केस इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसमें दो केसेस आ सकते हैं, या तो सुपर सेट में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं या दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब दोनों सेट इक्वल सेट हो सकते हैं. ओके सर, फिर जो आपने पहली कंडीशन दी है तो उसमें हम बोल सकते कि वो प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट. हाँ सर, वही. सर कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ सेकंड कंडीशन? देखो सेकंड कंडीशन में मैं क्या बोला था, इसीलिए ये जो प्रॉपर सबसेट का डिस्कशन लिया था ना उसमें मैंने दो टाइप के एग्जांपल लिए थे. ठीक है, सबसेट में हमने दो टाइप के एग्जांपल्स लिए थे. इफ यू रिमेम्बर, से दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल वेयर बोथ आर नॉट अनइक्वल सेट्स. ओके, वी कैन से हियर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए. इसका मतलब यहाँ पे सबसेट, इस सिंबल का मतलब यहाँ पे सुपर सेट. वी कैन से लाइक दिस. ऑल राइट, सेकंड एग्जाम्पल, इफ आई टेक ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू ऑल्सो 1, 2, 3, वी कैन स्टिल से ए इज अ सबसेट ऑफ बी एज वेल एज बी इज सबसेट ऑफ ए. एंड हियर बोथ ए एंड बी आर इक्वल. ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बट इन दिस केस वी कैनॉट से लाइक दिस. ओके, यहाँ प्रॉपर सबसेट आएगा ए और यहाँ पे ए इम्प्रॉपर सबसेट आएगा. Now is it clear? मतलब subset दोनों केस में आता है. सर नहीं समझा. अगर a not equal to b है, अगर a not equal to b है उस केस में भी subset आता है. ओके, और a equal to b आता है तो उस केस में भी subset आता है. लेकिन proper subset अगर लाना है तो वो खाली a नॉट इक्वल टू b के केस में ही आएगा. यहाँ प्रॉपर सबसेट बिल्कुल नहीं आएगा. जब दो सेट इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के ओनली सबसेट रह सकते हैं, ओनली सबसेट्स, और वी कैन से इम्प्रॉपर सबसेट्स. ठीक है, और दोनों सेट अनइक्वल रहेंगे तो छोटा वाला सेट हमेशा प्रॉपर सबसेट ही कहलाया जाएगा. ऐसा देखो ना, a नॉट इक्वल टू b वाला एक पहला एग्जाम्पल है, a इक्वल टू b वाला दूसरा एग्जाम्पल है. a नॉट इक्वल टू b के केस में हमें a सबसेट भी मिल रहा है, प्रॉपर सबसेट भी मिल रहा है.
सबसेट भी मिल रहा है, प्रॉपर सबसेट भी मिल रहा है ए नॉट इक्वल टू बी के केस में, छोटा वाला सेट जो है, और यहाँ इक्वल टू बी के केस में खाली वो सबसेट मिल रहा है बट प्रॉपर सबसेट नहीं मिल रहा है, मतलब वो इम्प्रॉपर है। ओके सर, फिर उसका ऑप्शन नंबर होगा। सो व्हेनेवर वी से इन केस ऑफ सबसेट, तो इसीलिए आप देख पा रहे कि ये सबसेट वाला जितना पार्ट है वो ए नॉट इक्वल टू बी में भी आएगा, ए इक्वल टू बी में भी आएगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट वाला पार्ट खाली एक ही केस में आएगा, ए नॉट इक्वल टू बी के केस में। नाउ इज इट क्लियर और इट इज गोइंग अबव हेड? यस सर, इट इज क्लियर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। वी कुड डिस्कस ओनली वन डाउट, सो नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस रिमेनिंग डाउट्स टुमारो। Thank you very much. Bye. Bye, sir. Understood. Bye. Sir, chemistry का period है क्या? होगा ना, होगा. Message आएगा. Okay. Sir, what is today's homework? Today's homework is same. Worksheet 2 only. Completed up to 30th question. Okay, sir. Bye.